नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, देश के शिक्षा जगत की बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्राथमिक स्कूल अभी 3 महीने तक और नहीं खुल पाएंगे। 6वीं से खुलेंगे सभी स्कूल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तैयारी है और NCERT के साथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक गाइडलाइन तैयार कर रहा है। शुरुआत में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्कूलों को ही खोला जाएगा। तो आइए विस्तार से पूरी खबर जान लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, 3 माह और स्कूल नहीं जाएंगे 5वीं तक के छात्र। 6वीं से खुलेंगे स्कूल। स्कूलों को दोबारा खोलने की रणनीति तैयार करने में जुटा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कक्षा को बेंच में बांटा जाएगा, 6 फुट की दूरी पर बैठेंगे छात्र। केंद्र सरकार स्कूलों को खोलने की तैयारी में है। पहले चरण में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से जुड़ी दूसरी बातों का बेहतर ढंग से पालन कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च यानी NCERT के साथ मिलकर स्कूलों को खोलने के बारे में गाइडलाइन तैयार कर रहा है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के छात्र जिनकी उम्र महज 6 से 10 वर्ष होती है, उन्हें अगले 3 महीनों तक स्कूल भेजे जाने की कोई संभावना नहीं है। सूत्रों के अनुसार सभी सीनियर क्लासों के छात्रों को एक साथ नहीं बुलाया जाएगा। ये लोग कुछ दिनों तक बेंच में आएंगे, जिससे स्कूल प्रबंधन को उन्हें नई बैठक व्यवस्था और नियमों के बारे में बताने के लिए समय मिल सके। बैठक व्यवस्थाएं इस तरह की होंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मतलब कि 2 छात्रों के बीच की दूरी 6 फुट हो। इसके अलावा कक्षा के सभी छात्रों को एक साथ नहीं बुलाया जाएगा और कक्षा को बेंच में बांटा जाएगा। 1 दिन छोड़कर बुलाएंगे बेंच को। हर कक्षा या सेक्शन को 15 से 20 विद्यार्थियों में बांटा जाएगा। एक कक्षा के हर बैच को 1 दिन छोड़कर बुलाया जाएगा। अधिकारी बताते हैं कि स्कूल में जिस बैच की छुट्टी होगी उसे होमवर्क दिया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न बैचों के प्रवेश और निकास के समय में काफ़ी अंतर होगा, इसलिए स्कूल प्रबंधन के पास कक्षाओं और सतहों को साफ करने के लिए पर्याप्त समय होगा। कैंटीन बंद, मास्क अनिवार्य। गाइडलाइन में इस बात को भी शामिल करने की संभावना है कि सभी छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शुरुआत में स्कूल के अंदर की कैंटीन को नहीं खोला जाएगा। छात्रों से कहा जाएगा कि वे टिफिन घर से लेकर आएं। कुछ महीनों तक सुबह के समय होने वाली प्रार्थना यानी असेंबली भी बंद रखी जा सकती है। पेरेंट्स नहीं जा पाएंगे कैंपस में। माता पिता को स्कूल कैंपस के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। छात्रों के आने और जाने के लिए अलग अलग गेट होंगे। स्कूल में सभी जगह को सैनिटाइज किया जाएगा। दुनिया के अन्य देशों में भी कोरोना संकट के कारण स्कूलों में इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से NCERT के साथ में मिलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय गाइडलाइन तैयार कर रहा है। अब देखना होगा कि स्कूल किस महीने से खुल पाते हैं और कौन कौन से नियमों के साथ। आप बने रहें चैनल पर। सब्सक्राइब और बेल के आइकन प्रेस करके वीडियो देखने के लिए।